बिना लड़े ही राजा भैया धनंजय सिंह और ब्रजभूषण सिंह चर्चा में। यूपी के चुनावी रण में तीन चेहरे ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर मैदान के महारथी तो नहीं हैं, लेकिन उन पर नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे चेहरों में पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बाहुबली धनंजय सिंह शामिल हैं। रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह और ब्रजभूषण सिंह। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया 1993 से लगातार विधायक हैं। पूर्वांचल के पूर्व ठाकुर नेताओं में शुमार राजा भैया इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। राज्यसभा में 7 तो लोकसभा में दूर क्यों राजा भैया? आखिर वो किस बात से इतने नाराज हैं? इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। पहली है कि राज्यसभा में भाजपा का साथ देने के बाद उन्हें उम्मीदें थी कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीटों पर भाजपा टिकट देने से पहले उनसे चर्चा जरूर करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कौशाम्बी के भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर से उनकी नाराजगी की खासी चर्चा रही। मैदान से बाहर कितने कारगर होंगे ब्रजभूषण के दांव? सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है, वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। ब्रजभूषण भी पूर्व के प्रमुख ठाकुर नेताओं में शुमार है। उनका प्रभाव कैसरगंज, गोंडा से लेकर बहराइच सहित कई सीटों पर माना जाता है। तीसरा नाम जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का है। चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच धनंजय को एक मामले में जेल जाना पड़ा, मगर उन्होंने अपनी पत्नी श्री कला को बसपा से मैदान में उतार दिया। अप्रत्याशित रूप से पहले धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए और फिर उसके बाद श्री कला को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया, श्री कला को का नाम वापस ले लिया। अब नतीजे बताएंगे कि धनंजय सिंह मैदान से बाहर रहकर भाजपा के लिए कितने सही कारगर होंगे।